हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी की। अगर आपने इस नाम को नहीं सुना है तो आज आप हमसे जान लेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, इसका कैसे यूज़ करेंगे, इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम इसके प्रॉम्प्ट्स पे जा करके कैसे काम करते हैं। क्योंकि अगर इसके प्रॉम्प्ट पे काम करना आपको नहीं आता है तो आपको रियल में उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये चैट जीपीटी पॉपुलर कैसे है इतना। सबसे पहले चीज़ आपको ये समझना है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है इससे पहले के सोशल मीडिया के, चाहे आपका वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, या जितने भी प्लेटफॉर्म आपने देखे हो, ये सारे प्लेटफॉर्म, इनको ग्रो होने में एक साल या एक साल से ज्यादा का टाइम लग गया, लेकिन चैट जीपीटी ने केवल 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूजर ग्रैब कर लिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूजर आ गए। और यहां पर हमें ये समझना कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, और अगर आपने इसको सीख लिया तो आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चाहे आप ब्लॉगर हो या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हो, वर्ड पे काम करते हो, या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, मीन्स आपका ऐसा वर्क जो आप इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी करते हो, तो आपको ये हमेशा बूस्ट देने वाला है, बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो आइए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और आप इसको लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ समझिए कि कैसे कैसे इस पर हमें काम करना है। लॉगिन से लेकर के लास्ट तक का प्रोसेस आपको दिखा दूंगा। कुछ भी अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आपको वहाँ पर फायदा देने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको गूगल पे नहीं मिल पाती हैं, वो सारी चीज़ें चैट जीपीटी आपको एट इंस्टेंट देने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। दोस्तों, चैट जीपीटी पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा अपना क्रोम। तो मैंने क्रोम किया, क्रोम हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। क्रोम के खुलने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना लॉग, और यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है गूगल, ठीक है। तो जब मैं गूगल लिखता हूँ तो यहाँ पर ये सर्च बार देता है, और यहीं पर मैं लिख देना है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी लिखूंगा तो खुद ही आ जाएगा, ये आ गया चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के अंदर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो openai.com भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पर लॉगिन और साइनअप दो ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना है तो आपको साइनअप करना है, और अगर आप बना चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है। तो चलिए अभी हम आपको बता रहे हैं पूरा प्रोसेस, तो हम आपको बताएंगे कैसे अकाउंट बनाते हैं। साइनअप पे जाएंगे सबसे पहले, और साइनअप पे जाते ही ये हमसे कुछ पूछेगा। ये कह रहा है क्रिएट योर अकाउंट, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद आगे कंटिन्यू पे क्लिक करिए। फिर जो डिटेल ये नाम वगैरह पूछता जाएगा अपनी सेविंग के लिए, आप उसमें डालते जाइएगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो नीचे आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा, कंटिन्यू विद गूगल। तो अगर आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं तब भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना अकाउंट केवल स्टार्ट करना है। तो मैं यहां से इसको हटा करके आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों, कई बार होता ही है कि जब आप अपने अकाउंट को ओपन करते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है, तो वहां पर कुछ इस तरीके की स्क्रीन आती है। तो मेनू में क्लिक करने के बाद यहां पर लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो लॉगिन पर क्लिक कर लिया अगर वहां से आपका लॉगिन नहीं हो पाया, ठीक है, तो जब यहाँ पर पहुँचते तो यहाँ पर आपको ये 3-4 ऑप्शन देखेगा, और आप उसमें अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि चैट जीपीटी, डैले, एपीआई क्या। तो मुझे चैट जीपीटी पे जाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे सेंड मैसेज है, यहाँ से हम मैसेज टाइप करके अपने रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं कि हमें चैट जीपीटी क्या बता रहा है। वैसे तो चैट जीपीटी का ये 3.5 वर्जन है, ये 4 है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप चैट जीपीटी 3.5 पे काम करें या 4 पे, आपको रिस्पॉन्स दोनों ही केस में मिलेगा। और अगर आप इसमें से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेंड मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। सेंड मैसेज पे आपको कर्सर लेना है और यहीं से आपको अपनी सर्चिंग शुरू करनी थी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे आगे आपको बताता हूँ कि आप ऑफिशियल वर्क में या अपने प्रोफेशनल वर्क में इसका कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 2 और 3 का सम कितना होता है, ठीक है, मैं केवल इतना बता रहा हूँ। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई, ठीक है। ये कह रहा है द सम ऑफ 2 और 3 5, मतलब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से समझ रहा है, इंग्लिश समझ रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं हिंदी भी समझ रहा है और इंग्लिश भी समझ रहा है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं, प्रोफेशनली कैसे वर्क करते हैं। यह एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ डालते हैं इससे, तुम कौन हो, तो तब भी ये मुझे बताएगा मैं एक भाषा मॉडल हूँ, OpenAI ने डेवलप किया है मुझे, पूरा बता रहा है कि मैं क्या हूँ। मतलब एक तरीके से इसने अपनी जानकारी पूरी आपको दे दी है, और ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ तो पहले से मुझे पता है। तो एक्चुअली क्या है कि गूगल होम और गूगल असिस्टेंट की सर्विस को तो आप पहले यूज़ कर चुके होंगे हमें लगता है। तो अगर आप
इसका यूज़ कर चुके हैं, और चैट जीपीटी और गूगल असिस्टेंट जो दोनों में केवल फ़र्क इतना है कि चैट जीपीटी केवल टेक्स्ट कमांड के साथ काम करता है, जबकि गूगल असिस्टेंट और गूगल होम या एलेक्सा ये सब वॉइस कमांड के साथ भी काम कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है, बाकी आप अगर पहले काम कर चुके हैं, एलेक्सा से भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो उसने भी आपको कुछ आंसर्स दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर ये टेक्स्ट के साथ काम कर रहा है तो इसीलिए ये ज़्यादा पावरफुल है जो टेक्स्ट के साथ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये हिंदी इंग्लिश दोनों में काम कर रहा है, और अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन से ऐसे पूछूंगा जिस पे आप देखेंगे कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस का जवाब ये बहुत अच्छा दे रहा है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एमएस एक्सेल में 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का सम कैसे करें, ठीक है, और मैं इस ग्रीन वाले सिग्नल पे क्लिक करता हूँ। तो अब अगर ये कुछ बता सकता है तो देखिए बताएगा। करें सबसे पहले एक्सेल ओपन करें, पूरा डिटेल में बता रहा आपको, है ना, एक एम्प्टी सेल ले लें और अब आप एम्प्टी सेल में ये फार्मूला लिख दें, सम एवं से फाइव अगर आपकी वैल्यू एवं से फाइव तक, मतलब एक अच्छी खासी जानकारी आपको दे रहा है कि आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं। चलिए इससे एप्लीकेशन भी लिखवा लेते हैं, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव फ्रॉम स्कूल फॉर अ स्टूडेंट, लिख देता हूँ फॉर अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अभी देखिए स्कूल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको देगा, कैसे एप्लीकेशन लिखते थे, एक बढ़िया सी एप्लीकेशन लिखकर आपको देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना कि ये अभी डेवलपमेंट फेज में है और कई सारे आंसर्स जब आप इससे लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ आपको चेक करना पड़ सकता है। देखिए इसने रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दिया है, ये करें यहाँ पर यूनिट डाल दिएगा, एड्रेस डाल दिया, सिटी जिप और प्रिंसिपल का नाम सब कुछ दे दिया इसने, सब्जेक्ट दे दिया रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल, आई एम राइटिंग, क्या बात है, ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, और इसने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पर कि कैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो आप इसका प्रोफेशनल एज ए स्टूडेंट अगर आप लिखना चाहें, कोई भी ऐसे आप लिखना चाहें, राइट एन ऐसे ऑन कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, मुंबई है ना, चलो मुंबई पे ऐसे लिखवा देते इससे, तो ये मुंबई पे ऐसे लिख देगा, जो कुछ आप इससे चाहेंगे वो हर चीज़ ये आपको देने वाला है। कभी कभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन आपको आंसर देगा, जैसे जैसे आंसर देगा ये तो स्लाइडर ऊपर बढ़ता है, इसका मतलब नीचे आंसर आ रहा है, आप ऐसे देख सकते हैं मुंबई पे ऐसे लिख रहा है, देखिए पता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है, जीके का क्वेश्चन पूछेंगे, जीके क्वेश्चन करेगा, इवन आप चाहें तो इसमें HTML वर्ड्स रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। चलिए मैं HTML का एक कमांड लिखता हूँ इसके अंदर, राइट ठीक है, किसी वेबसाइट का होम पेज आपको बनाना है तो उसके लिए क्या कोड होना चाहिए ये पूरा बताएगा आपको। तो देखिए इस तरीके से प्रोफेशनली भी आप इससे काम ले सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपने इससे कुछ काम इस तरीके के ले लिए और आपने सीख लिया कि ये कैसे काम कर रहा है, तो आप इससे मनी भी जनरेट कर सकते हैं। मीन आपने कई काम देखा कि ये चैट जीपीटी अच्छे से काम करता है, तो आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग जो काम करते हैं कहीं बैठ करके अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, वो चार्ज आप ना करके आप फ्री में काम कर रहे हैं। देखिए इसने HTML का बढ़िया से कोड लिखा है, ये देखिए पूरा बता रहा है कि आपका पेज कैसा बनेगा, और बाकी आप जितना उसमें ऐड करें, मतलब उसने होम पेज का आपको ऐड दे दिया, इसको आप रन करके भी देख सकते हैं कि क्या ये सही बनकर आया है या नहीं आया है। तो आप इसको अपना किसी क्रोम ब्राउज़र में एक बार चला कर देख लें कि कैसा आ रहा मेरा लुक, ठीक है, क्या होम पे या अबाउट पे, देखिए HTML यहाँ पर इसने लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिव चीज़ होगी जो लिस्ट में आएगी, इस पर क्लिक करके हम लोग इन मेन्यूज़ में जा सकते हैं। वाह, मतलब सब कुछ बता दे रहा है, जिसको अगर कुछ भी नहीं पता तो ये बता देगा। अगर आप इसमें एक ब्लॉग पोस्ट लिखवाना चाहें ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं, और न जाने क्या क्या कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आप सोचते हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए इतना सब करने के बाद खाने पीने की चीज़ें भी इससे पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, पनीर की सब्जी यूनिक तरीके से कैसे बनाएं, तरीके से कैसे बनाएं, कुछ भी क्वेश्चन डालिए इसके अंदर, तो जो भी आप डालेंगे उसका आपको रिस्पांस देगा, आप उस रिस्पांस में फिल्टर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये AI है और ये अभी लर्निंग प्रोसेस में है, ठीक है। चलिए बता दिया इसने, पनीर कॉटेज चीज के बट एवरी थिंग इज गिवेन, ओ माई गॉड, तो जबरदस्त दे रहा है आंसर, है ना।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन इसने बता दिया कैसे बनाइए और ज़बरदस्त आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कोई इसमें नई डिश के बारे में जानना चाहते हैं, नई डिश कैसे बनेगी, कभी कई बार टॉपिक नहीं होता, तो यहाँ से आप टॉपिक जनरेट कर लीजिए और जनरेट करके अपने वीडियोज़ को बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा।